हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी। श्याम जी, शुरुआत में तो खुश होने वाले रुझान है आपके लिए, लेकिन नतीजे नहीं है ये, अभी भी लगता है कुछ भी हो सकता है? शुरुआती जिस प्रकार के रुझान आए हैं वही आखिर तक रहेगा। हम पहले से कहते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में आ रहा है, बिहार में परिवर्तन हो रहा है। एक सवाल ये है कि अगर आप लोग जीतते हैं, सरकार बनती है, क्रेडिट किसे जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, या पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो वहाँ मेहनत कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ये कैडर पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में बिहार में उभरे हैं, सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन उनका था, सबसे ज़्यादा रैलियां भी उनकी हुई है, और अमित शाह जी ने वहाँ पर डेरा डालकर पूरे कैडर को एक्टिवेट किया था, निश्चित रूप से पूरे पार्टी का ये श्रेय है। श्याम जी, आप कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी, लेकिन महागठबंधन अपनी हार अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, ना वो ये मानने को तैयार है कि वो सरकार बनने की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। उनका अभी भी दावा है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी। वो दावा करते रहे जरूर, कुछ घंटों में यह साबित हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए वहां पर राज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्याम जाजू जी का कहना है कि बीजेपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। उनका ये भी कहना है कि महागठबंधन के जो भी दावे हैं वो काफूर होंगे, और उनका दावा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।